हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज आरबीआई ने रेट चेंज नहीं किए, लेकिन जो जीडीपी फोरकास्ट था आरबीआई का वो घटा दिया है। उसके बाद निफ्टी में एक हल्का सा छोटा करेक्शन देखने को मिला। आज के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं, फिर मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि हमारा प्लान था, ब्रेकआउट लेवल 15,708 बन रहा था, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट को इसने अचीव किया और इसी लेवल के बीच में ये आसपास ट्रेड हो रहा था एक आधा घंटा एक घंटा सुबह 10 बजे तक। और एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास से रेजिस्टेंस लेके ये टुवर्ड्स साउथ की तरफ आया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक नहीं किया, एग्जैक्ट यहाँ इसी लेवल के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। सेकेंड टाइम जब ये फिर से नीचे आया तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 15,625 अचीव हुआ, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ। तो निफ्टी में भी काफ़ी एक्यूरेट आज लेवल साबित हुए। वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको एनालिसिस करेंगे, लेकिन फ्राइडे है आज, वीक खत्म हो चुका है तो वीकली एनालिसिस भी करते हैं वीकली चार्ट का। अगर फ्राइडे का वीडियो अगर आपने हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे तो देखा होगा, ये जो कैंडल बनी थी 21 मई के दिन, तभी यहाँ पर हमने नीचे RSI में ये राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद अभी ये दो लगातार दो बुलिश कैंडल्स बनी है। ये कैंडल जो बनी है वाइट, थ्री वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न जैसी है। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ये बुलिश साइन है, लेकिन ये तीन कैंडल बनने के बाद एक करेक्शन आते हुए दिखाई दिया। तो इस लेवल के ऊपर अगर फिर से हायर आए, हायर लोज बनते हैं तो हमें और भी तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इस हाई के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करे तो हो सकता है यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिले। तो ये थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न इस समय वीकली चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है। अभी डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर जैसे कि हमने कल भी यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ऐड करके यहाँ पर कुछ लेवल्स ऐड कर दिए थे, फिर से ऐड कर देते हैं उन लेवल्स को। 150% का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल आज फिर इस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, इसको कम्प्लीटली ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर फिर से एक बार हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। अगर जब तक यहाँ पर ये रेड कैंडल बनेगा, इसका लो टूटेगा, तब ये फॉर्मेशन हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा कन्फर्मेशन के साथ। तो अभी तक यहाँ पर सिर्फ सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं है। तो वेट करना होगा कि यहाँ से करेक्शन आने के लिए शॉर्ट ना करें, क्योंकि एक्सट्रीम बुलिश है इस समय निफ्टी इंडेक्स। तो वेट करें, जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिलता तब तक यहाँ से शॉर्ट पोजिशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो था। अभी 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं। इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। एक यहाँ पर बात है RSI और प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन ने नया हाईस क्रिएट किया है, लेकिन RSI को नीचे देखें तो लोअर हाईस क्रिएट किया है, यानी प्रीवियस हाई के नीचे नेक्स्ट हाई बना रहा है और प्राइस एक्शन में तो नया हाईस क्रिएट हो रहा है। ये टोटली बेयरिश डाइवर्जन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि जब भी ऐसा डाइवर्जन देखने को मिलता है प्राइस एक्शन में एक गिरावट देखने को मिलती है। तो ये प्रोबेबिलिटी है ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स ध्यान में रख के अपनी पोजीशन बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो फ्राइडे को अगर ये जो आज का लो बनाया है आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, तो मंडे के दिन आज का लो अगर ब्रेक होता है 15,620 तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,602। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड
15584 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो जहाँ पर आज ये इस लेवल के आसपास आप देख सकते हैं सेकेंड अटेम्प्ट 5 मिनट के चार्ट में इसने ये सेकेंड अटेम्प्ट दिया था और यहाँ पर इस लेवल के पास दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो हो सकता है मंडे के दिन जब ये ऊपर की तरफ बढ़े तो इस लेवल के पास 15687 के पास रेजिस्टेंस फेस करे। तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 15702, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15721, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी लेवल्स जो थे काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट के लेवल के पास ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर साबित हुए हैं। तो कल के लिए सॉरी मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलना होगा। ये 60 मिनट का चार्ट है। अभी निफ्टी इंडेक्स ये जो लेवल है यानी जस्ट 50 EMA के नीचे, ये 60 मिनट का चार्ट देख रहे हैं हम, यहाँ से सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ है। तो 35112 ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल। इसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करे तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35.2, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 34891, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो 20 EMA, ये मूविंग एवरेज इसके बीच में ट्रैप हो चुका है कम्प्लीटली, इसको ब्रेक होने दीजिए। यानी हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 35458, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 35541, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 35624, ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा मंडे के लिए बैंक निफ्टी का। तो ये है लेवल्स मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।